हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और परवल की चटपटी सूखी सब्ज़ी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले परवल को मैंने कट कर लिया है और आलू को भी मैंने कट कर पानी के बोल के अंदर रख दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि परवल को कैसे काटना है। तो सबसे पहले परवल के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और फिर परवल को चार स्लाइसेस में कट कर लेना है। अगर आपका परवल ज़्यादा छोटा है तो आप दो स्लाइसेस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको आलू को कट करना सिखाऊंगी। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आप कट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आलू और परवल को कट कर रख लिया है और इस रेसिपी के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी और तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पैन के अंदर तेल को गर्म कर लिया है और उसके बाद जीरा और प्याज ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हमारे कटे हुए परवल। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी लाल मिर्च। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारी सब्ज़ी के साथ और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर रहे हैं। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और फिर हम परवल को चेक कर लेंगे अगर ये अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे आलू। इनको भी और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया पाउडर और करीब 1 चम्मच हल्दी। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं ढककर पका लूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं और हमारी सब्ज़ी को थोड़ा सा मैश कर देख लेंगे। अब मैं इसके अंदर हमारे बाकी स्पाइसेस को ऐड करूँगी। ये है आमचूर पाउडर हमारी सब्ज़ी को चटपटा बनाने के लिए, और कलर के लिए ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च और दूसरी फ्लेवर के लिए लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप देख रहे हैं ये कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है। और अब मैं इसे दोबारा से ढककर पका लूँगी 5-6 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसके अंदर चॉप्ड हरा धनिया ऐड कर दूँगी मैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक कर 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मैं सब्ज़ी को सर्व कर लूँगी। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही इजीली और झटपट घर पर बनकर तैयार हो जाती है। मैं इस सब्ज़ी को सर्व करूँगी रोटी के साथ और सम सैलड के साथ, और मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ हरे धनिये के साथ। आप प्लीज़ मेरी ये रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।